देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोगों के बीच में जागरूकता की कमी और स्कूलों की लचर हालत के चलते हरियाणा के मेवात में 20% छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेवात में पढ़ाई की व्यवस्था बेहद खराब है। इन सब के बीच वहां के एक स्कूल के टीचर उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। इन्होंने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाई बल्कि कई स्कूलों में छात्रों की संख्या भी कई गुना बढ़ा दी। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उनकी तारीफ की। 54 वर्षीय बसरुद्दीन खान ने एक NGO की मदद से उड़ान नाम का एक प्रोग्राम भी शुरू किया है जो बच्चियों के स्कूल छोड़ने के मुद्दे पर काम करता है। पिछले 25 साल से खान का रूटीन भी नहीं बदला। वो सुबह करीब 7 बजे निकलते हैं और वहाँ शाम को 7 बजे तक रहते हैं। वो शाम को बच्चों के साथ एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं और अगले दिन के लिए नोट्स भी तैयार करते हैं। साइंस और मैथ्स पढ़ाने वाले खान ने 1993 में झारपुरी गाँव से अपनी नौकरी शुरू की थी। उस वक्त जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे वहाँ 6ठी से लेकर 8वीं क्लास में बच्चों की संख्या केवल 20 थी, लेकिन जब उन्होंने 2 साल बाद स्कूल छोड़ा तब ये संख्या लगभग 3 गुना बढ़कर 57 पहुंच गई थी। सिरोली के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर स्कूल में खान ने 18 साल तक पढ़ाया। वहां भी 1995 से 2013 के बीच छात्रों की संख्या 96 से 638 पहुंची। यही नहीं, कई साल से यहां छात्रों का पासिंग रिकॉर्ड 100% रहा। अलग अलग NGO की मदद से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए खान अब तक 1 करोड़ रुपए जुटा चुके हैं। PM नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उनकी सराहना की है। PM मोदी ने लिखा है कि श्री बसरुद्दीन खान ने लड़कियों की पढ़ाई को प्रमोट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने स्कूल से बाहर बच्चों को दाखिला दिलाने में भी बड़ा योगदान दिया है। इसलिए हाल ही में बसरुद्दीन खान को टीचर्स डे के मौके पर नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।